नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी। एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं दोस्तों, एक और कंपैरिजन वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं। हाल ही में चाइना में ऑनर 9X को लॉन्च कर दिया गया है और 24 अगस्त के आसपास इसको इंडिया में भी लॉन्च करने वाले हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया जाए ऑनर 9X वर्सेस K20 वर्सेस रियलमी X। राइट गाइज, तीनों डिवाइसेस का कंपैरिजन मैंने 5 पॉइंट्स में समराइज किया है। सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आप कंप्लीट कंपैरिजन जान पाएं इन तीनों डिवाइसेस के बारे में। राइट गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में। तो ऑनर 9X की जो टेंटेटिव चाइनीज प्राइसिंग सामने आई है यहाँ पर, वो है 14,000 रुपए बेस वेरिएंट के लिए, जहाँ पर 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और उसके कंपैरिजन में K20 का बेस प्राइस है 22,000 रुपए, 21,999 रुपए, एंड रियलमी एक्स का जो बेस प्राइस है वो है 16,999 रुपए। ऑब्वियसली तो इन दोनों से ये काफी कम प्राइस होगा फॉर इंडियन मार्केट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस। सिस्टम ऑन चिप के बारे में बात करें तो ऑनर एक्स पे नया सिस्टम ऑन चिप हमें देखने को मिलता है। जो चिपसेट है वो अगेन हुआवी का अपना है। हाई सिलिकन किरन 810 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। अगेन ये बेसिकली 7 नैनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। एंड इसके कंपैरिजन में 730 चिपसेट देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का K20 में, एंड 710 हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रियलमी एक्स में। सो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर, रॉ प्रोसेसिंग पावर के बारे में बात करें, हालांकि जो 730 है उसको 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और 710 को 10 नैनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, बट ओवरऑल रॉ प्रोसेसिंग पावर और एज कम्पेयर टू GPU ऑल्सो अगर मैं बात करूँ, माली G52 का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है ऑनर 9X में, एंड एड्रीनो 616 एंड एड्रीनो 618 K20 और रियलमी एक्स में हमें देखने को मिल जाता है। सो अगेन GPU प्लस CPU परफॉर्मेंस यहां पर ऑब्वियसली K20 की बेटर है एज कंपेयर टू रियलमी एक्स, और अगर मैं बात करूं नए डिवाइस ऑनर 9X की। चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो है डिस्प्ले। तीनों डिवाइसेस में आपको बेजललेस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। हालांकि जो ऑनर 9X आता है वो आता है LTPS IPS LCD डिस्प्ले के साथ, और बाकी दोनों डिवाइसेस में रियलमी एक्स में एंड K20 प्रो में दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्लेस देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन साइज के बारे में बात करें, तीनों ही डिवाइसेस 6 इंच से ऊपर हैं, बट सबसे बड़ी जो डिवाइस है वो है ऑनर 9X की स्क्रीन साइज 6.59 इंच का, और जो सबसे छोटा यहाँ पर साइज दिया गया है वो है 6.39 इंच का K20 का, बट ओवरऑल जो डिस्प्ले साइज है वो ऑन एन एवरेज 6 इंच से ऊपर ही है तीनों डिवाइसेस के लिए। चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कैमरा। रेयर डिपार्टमेंट में बात करें तो 3 में से 2 डिवाइसेस ऐसे हैं यहाँ पर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और K20 ऐसा डिवाइस है जहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बट अगेन तीनों में अगर एक चीज कॉमन है वो है 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर। और जो बाकी कैमरा सेटअप है अगर मैं बात करूँ तो ऑनर 9X में जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है वो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। अगेन सेम डेप्थ सेंसिंग कैमरा हमें रियलमी एक्स में भी देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का विद f/2.4 अपर्चर। और K20 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, एक टेलीफोटो सेंसर है। जो टेलीफोटो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का विद f/2.4 अपर्चर, एंड जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है विद f/2.4 अपर्चर। सो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेग हमें यहाँ पर K20 में देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू रियलमी एक्स एंड ऑनर 9X। और सेल्फी डिपार्टमेंट में भी एक चीज कॉमन है जो है मोटराइज्ड कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, तीनों में ही पॉपअप कैमराज दिए गए हैं, और ऑनर 9X में और रियलमी एक्स में 16 मेगापिक्सल के सेंसर हमें देखने को मिल जाते हैं, और K20 में 20 मेगापिक्सल का सेंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पांचवें पॉइंट के बारे में दोस्तों बात करते हैं जो है बैटरी एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। ऑनर 9X में जो फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट है वो एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, राइट साइड में उसको प्लेस किया गया है, बैक में नहीं है ना ही फ्रंट में है। बट उसके कंपैरिजन में रियलमी एक्स में और K20 में हमें दोनों में यहाँ पर ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो एक ऑप्टिकल बेस्ड ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड इट इज़ लिटिल स्लोअर एज कम्पेयर टू द फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जो प्रेजेंट है ऑनर 9X में। चलिए बात कर लेते हैं तीनों डिवाइसेस के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। ऑनर 9X में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, एंड अगेन यहाँ पर फास्ट चार्जिंग तो अवेलेबल है बट चार्जर की वॉटेज कितनी है वो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर सामने नहीं आ पाया है। और उसके कंपैरिजन में रेडमी K20 में 18 वॉट का चार्जर आता है साथ में और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और रियलमी एक्स में 3765 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और अगेन
20 वॉट का चार्जर इनबॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट समरी इन पांचों पॉइंट्स के अंदर इन तीनों डिवाइसेस के लिए, जल्दी से हमने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है ताकि आप क्विकली जान सकें कौन सी डिवाइस में क्या चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट करके जाइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। I